नमस्कार, ये लाइव तस्वीर है पानीपत के लघु सचिवालय से देख रहे हैं, जहाँ पर आज पानीपत बार एसोसिएशन के लोग यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने पहुँचे हैं। इनको कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो है एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें रविवार के दिन की जो दुकानें हैं वो बंद करने के आदेश पारित हुए हैं, जिसको लेकर इन लोगों ने अब प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर गुहार लगाई है कि जो इनकी दुकानें हैं वो संडे को बंद न की जाए, क्योंकि इनका कहना है कि जो ज़्यादातर इनका जो रोज़गार है वो संडे के दिन ही हो पाता है और बाकी दिन लगभग इनका जो काम है वो इतना नहीं हो पाता, जिसको लेकर आज ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने पहुँचे हैं और स्थानीय नेता को भी ये मिले हैं। क्या कुछ इनका कहना है वो बातचीत इन लोगों से करेंगे। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? सर, ये है, हमारा संडे और सैटरडे को दुकान बंद रहती है और चलान पे चलान कट रहे हैं, और उसके बाद हमारा मेन काम जो होता है वो संडे का होता है, संडे को हमारा क्लोज हो जाता है और शनिवार को भी हमारा काम अच्छा चलता है, तो इस वजह से हमारा जो काम है वही प्रशासन उसको बंद कर देता है। हमारा काम ये है कि संडे और सैटरडे खुलवाया जाए, मंगलवार और वीरवार को हम बंद करने के लिए तैयार हैं, जैसा प्रशासन आदेश दे हम उस पर तैयार हैं। बाजार में और दुकानें सब खुली रहती हैं, लेकिन हमारी दुकानों के चालान कट जाते हैं, तो संडे और शनिवार को हमारा काम खोला जाए। तो जो संडे को जो है प्रशासन द्वारा दुकानें बंद करने का आदेश, बंद करने का आदेश है और चालान कट जाता है। प्रशासन मतलब हमें उस चीज का, कोई चालान काटने आ रहा है, कोई कुछ कहने आ रहा है, कोई कुछ कहने आ रहा है, पहले भी छूट दे दी, हमें पहले भी छूट दे दी गई, लेकिन उसके बाद फिर बंद करा दी गई है। जो संडे को जो आप दुकान बंद करते हो तो इसका कितना असर आप पर पड़ने वाला? हमारे पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, हमारा मेन काम जो है वो संडे को ही है, हमारा बिल्कुल मतलब इतना काम खराब हो रहा है कि हमारी रोजी रोटी बिल्कुल खत्म हो रही है, एक तरह का बिल्कुल जीरो पे आए हुए हैं, और एक संडे का हमारा एक दिन ऐसा है कि हमारा थोड़ा बहुत काम चल जाता है और वही हमारा क्लोज करा देते हैं। संडे के अलावा और किसी दिन भी दुकानें बंद करने का? संडे और मंगलवार को हम बंद करने के लिए तैयार हैं, मंगल को पहले से ही हम बंद रखते हैं, तो इस वजह से हम वीरवार को भी बंद करने के लिए तैयार हैं। बंद करा दो। तो आप आज किसी से मिले हैं इस बारे में? SDM साहब से मिले थे, उन्होंने कहा कि हमें लिखित में दे दो, बाकी ना DC साहब बैठे हैं और ना वो बैठे हैं, क्या नाम, विज बैठे हैं, विधायक से वो भी नहीं बैठे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा शनिवार और एतवार खोला जाए, हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारे रोजी रोटी का सवाल है, गरीब समाज है बहुत ज़्यादा, और अगर यही संडे छीन लिया जाए तो हम किसी भी लायक नहीं रहेंगे, तो हमारा कृपया करके संडे और सैटरडे खोला जाए। तो ये बार बार एसोसिएशन के लोग थे जिन्होंने कहा कि संडे को जो है इनकी दुकानें खोली जाए। इनका कहना है कि यदि संडे के दिन ही जो है इनका काम वो ज़्यादातर होता है और संडे के दिन यदि काम बंद कर दिया जाए तो जो इनकी रोजी रोटी है वो पूर्णतः से ख़त्म हो जाएगी। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मीडिया के माध्यम से अफसरान बाला को इस अपने एक विज्ञापन दे रहे हैं। हमारा समाज, हम सैन समाज से हैं और हमारा समाज जो है, हमारा काम सैटरडे को संडे को ज़्यादा होता है और बाकी हफ्ते में काम कम होता है। हम अपने खर्चे सैटरडे को और संडे को ही निकाल सकते हैं और हम पारिवारिक आदमी हैं, अगर सैटरडे और संडे अगर बंद हो गया तो हमारे लिए रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया, हमने रोटी खानी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये गरीब समाज है, इस गरीब समाज का ध्यान रखते हुए सैटरडे और संडे को ये हमारी दुकानें खुलनी चाहिए, और हम मंगलवार अगर महकमा प्रशासन चाहे तो वीरवार को भी हम बंद करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन संडे के अलावा और किसी दिन खोलने की अनुमति देता है आपको तो खोलोगे आप, या उससे क्या असर पड़ने वाला है? क्या संडे को बंद करवा दी जाए आपकी दुकान? तो ऐसा है, सारा बंद कर दिया जाए, ऐसा है, संडे को अगर हमारा सैटरडे को और संडे को अगर हमारा काम बंद हो गया तो हमारा जो है खर्चे नहीं निकलते,
क्योंकि जो है ना हर आदमी जो ना संडे सैटरडे की छुट्टी करता है और अपनी शेव और कटिंग जितने भी जो आपने कराने होते हैं संडे को और सैटरडे को ही करता है, और दिनों में जो है ना मुलाजिम लोग या पब्लिक के लोग कम काम कराते हैं, सैटरडे को और संडे को ही सबको टाइम होता है, क्योंकि अपने ऑफिस से भी जो ना उनको छुट्टी होती है और लोग जो ना अपने बिजनेस से भी छुट्टी किए होते हैं, इसलिए हमारा संडे को और सैटरडे को काम जो है ना खुलना बहुत ज़रूरी है। तो आपने किसको मेरा फ़ोन कहा है? अभी जो ना हमने SDM साहब से बात की थी, उनको लिख कर दिया हैं और मैं आपके मीडिया के मैडम से डिप्टी साहब डिप्टी कमिश्नर साहब को ADC साहब को SDM साहब को CTM साहब को सभी अफसरान वाला से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप जो ना इन गरीब समाज के बारे में सोचें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान का। सर ये हम ये सैन सलमानी समाज से हैं, तो हम संडे के बारे में ही आए थे यहाँ सरकार से गुहार लगाने के हमारा संडे खोला जाए। क्या आदेश पारित हुआ आप लोगों के लिए? आदेश तो पहले जब बंद हुई थी हमने क्या नाम DC साहब ने भी और आदेश पारित कर दिए थे और विधायक साहब ने भी उससे गुहार लगाई थी हमने, तो हमारी दुकान ने खुल गई थी संडे को। तो अब हमने जना क्या नाम SDM साहब को दिया है ज्ञापन, उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे, हमने उनको ज्ञापन दे दिया है। संडे को दुकानें बंद होती है तो क्या आपका नुकसान? संडे के अलावा तो सबको नुकसान ही है जी, सब कुछ बंद ही रहता है, मेन तो हमारा संडे ही है। अगर हमारी संडे को ही दुकान बंद कर दें तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे, वैसे भी रोजी रोटी का आजकल बहुत संकट पड़ा हुआ है, काम नहीं बिल्कुल भी है। लॉकडाउन के चलते हुए जो है ना सभी हमारे जो है सैन समाज सलमानी समाज के लोग सड़कों पे हैं और इनके किराए कोई माफ़ नहीं किए गए, सब किराए लेते हैं दुकानदार, और जो है ना सबको किराए बहुत महंगे हैं, खर्चे बहुत महंगे हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, और घर की रोजी रोटी चलानी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो इसलिए हमारा संडे को खोला जाए, भले ही वीरवार और शनिवार मंगलवार हमारा बंद कर दिया जाए। क्या प्रशासन ने इस तरह से बंद तो नहीं कर दी आपकी जो संडे की दुकानें की, या ज़्यादा जो दुकानों पर भीड़ भाड़ हो उससे कोरोना? नहीं, उसके लिए तो जो हमने अपनी दुकानों पर जो है पूरा हम पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी हमने किया है, एहतियात बरत रहे हैं, हम सैनिटाइज वगैरह कराते हैं और साफ सफाई रूल हम फॉलो करते हैं सारे। तो हम तो यही है कि हम जी हाँ। तो ये बार बार एसोसिएशन पानीपत के जो सदस्य हैं ये आज पानीपत SDM से मिले हैं, इन लोगों ने बताया है कि संडे के दिन जो है इनकी जो दुकानें हैं वो बंद करने के जो आदेश हैं प्रशासन द्वारा पारित किए गए हैं, जिसको लेकर इन लोगों का कहना है कि यदि संडे के दिन इनकी दुकानें बंद कर दी जाए तो काफ़ी नुकसान इन्हें होगा। इन लोगों ने कहा है कि जो मंगलवार और वीरवार के दिन इनकी जो दुकानें हैं वो बंद करा दी जाए और संडे और सैटरडे के दिन जो दुकानें हैं वो खुली रखी जाए ताकि इन्हें मुसीबतें ना हो पाए। और इन लोगों का कहना है कि कोरोना को देखते हुए इन लोगों ने एहतियात तौर पर वो सभी नियम अपनाए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से बचा जा सके और दुकान में आने वाले ग्राहकों को भी यह सैनिटाइज वगैरह और जो सभी बचाव के जो नियम हैं वो सभी फॉलो करते हैं। आज SDM पानीपत से इन लोगों ने गुहार लगाई है कि जो इनकी दुकानें हैं संडे और सैटरडे के दिन जो है खुली जाए ताकि इन लोगों पर किसी प्रकार का कोई असर न पड़े। विधायक से भी इन लोगों ने गुहार लगाई है कि इनकी ओर जो है ध्यान दिया जाए और जो इनकी मांगे हैं जो इनकी दुकानें हैं वो सैटरडे और संडे के दिन खोली जाए ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। अब देखना होगा कि SDM पनपत से मिलने के बाद इन बार बार जो एसोसिएशन के जैसे इनके प्रति क्या निर्णय प्रशासन द्वारा लिया जाता है। बहरहाल ये लोग जो है दुकान बंद होने से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। चलो चलो।